जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का मार्केट फिर से कंसोलिडेट फेज में था और बैंक निफ्टी में हमें कहीं मौके दिखाई नहीं दिए। एक मॉर्निंग में आया तो था, लेकिन उसमें जिन लोगों ने कमाया होगा, हो सकता है अगर उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की होगी तो फिर वो पूरा चला गया होगा। पिछले 2 दिनों से ऑप्शन सेलर्स का दिन चल रहा है। कल के मार्केट में देखते हैं क्या हमें पैसा बनाने का मौका है। देखिए दोस्त, कल के मार्केट की बात करें तो अपर लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। रेजिस्टेंस निकल के आता है 47,800 पे। अगर मार्केट 47,800 के पास में पहुंचता है कल, तो हो सकता है यहां से एक शार्प डाउन दिखाई दे, जो हमें एक पैसा बनाने का मौका बनेगा। लेकिन जब इस पॉइंट को क्रॉस करके, हो सकता है अगर इसके ऊपर ट्रेड करे तो आप अपसाइड को जाइएगा, तब आप डाउनसाइड के ट्रेड के पीछे मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप उस वक्त डाउनसाइड पे जाएंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। तो जल्दी मत कीजिएगा, जब भी आप ट्रेड लीजिएगा तो 2 चीजों को ध्यान में रख के लीजिएगा, और कब लेंगे उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ में। देखिए, मैं पहले तो 47,800 को सपोर्ट क्यों मान रहा हूं उसको समझा दूं आपको। तो ये जो पैटर्न निकल के आ रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न का अपर टॉप ये बिहेव करता है एज अ रेजिस्टेंस, इसलिए मैं इसको एक रेजिस्टेंस जोन मान रहा हूं। अगर मार्केट कल यहां पे पहुंचता है तो ऑब्वियस एक ग्रीन कैंडल के साथ में पहुंचेगा, और उसके बाद इस पॉइंट के नीचे एक प्रॉपर कैंडल बने, और फिर हमें एक रेड कैंडल अगर दिखे उस कैंडल के बाद, एक प्रॉपर कैंडल बनने के बाद में जब रेड कैंडल दिखाई देती है, तो उस रेड कैंडल के साथ में आप एंट्री करिएगा, और आपका स्टॉप लॉस ये लेवल ही रहेगा 47,800 का ही, और डाउनसाइड के जो टारगेट निकल के आएंगे वो इस आज कल के मार्केट का जो गैप हुआ था, ये जो गैप क्रिएट हुआ है, इस गैप का लो जो कि आता है 47,200, यहां तक के टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी के पॉइंट्स पर। अगर हम प्रीमियम पे जाते हैं तो वहां क्या मौके दिखाई दे रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके सामने बात करना चाहेंगे 47,000 की कॉल के बारे में। 47,000 का कॉल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो 47,000 के कॉल का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। ठीक, अगर 47,000 का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, इसका मतलब हो गया कि कॉल का ट्रेंड डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं, तो मार्केट हो सकता है कल के दिन थोड़ा सा बेरिश दिखाई दे और जो कॉल की वैल्यू है वो घटती हुई दिखाई दे। अब सवाल उठता है कि कहां पे सपोर्ट लेगी, तो एक ये बन रहा है हैमर नंबर एक। इसी हैमर को अगर हम सपोर्ट लाइन कंसीडर करें तो मार्केट आप देखेंगे कि दोबारा भी इस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है, और ये जो पॉइंट निकल के आता है, ये पॉइंट कितने का है उसको देखते हैं जरा। तो ये पॉइंट निकल के आता है हमारा 300 के आसपास का, और 300 के आसपास का अगर ये पॉइंट निकल के आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट हो सकता है 47,300 तक के लेवल्स कल देखने को मिल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, अगर ये 300 का लेवल ब्रेक होता है कल मार्केट में, तो डेफिनेटली फिर ये जीरो की तरफ जाएगी और कल की जो क्लोजिंग होगी वो हो सकता है 47,000 तक की चली जाए। अगर मान लेते हैं मार्केट कल अपर साइड में जाता है, तो सबसे पहला तो एक पॉइंट निकल के आ रहा है, ये जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार एक तरह का 3 कैंडल से मिलके बनने वाला पैटर्न है, जिसका हाईएस्ट हाई जो होता है वो बिहेव करता है एज अ सपोर्ट, और ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 800 पे। तो हमारा मार्केट अगर 47,000 में हम 800 रुपीज ऐड कर दें तो इट्स बिकम 47,800। 47,800 बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस जोन नंबर एक। ठीक, और सपोर्ट की जब बात की तो वो निकल के आ रहा है कितना, 300। तो अगर हम 47,000 में 300 ऐड करें तो इट्स बिकम 47,300 इज अ सपोर्ट। तो ये दोनों लेवल्स ऐसे हैं जिन पे आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं तो डेफिनेटली अपने को कल बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। पर सवाल उठता है कि अगर ये दोनों लेवल बनते हैं तो हम इसमें कमाएंगे कैसे। देखिए दोस्त, अगर
47,800 मार्केट जाता है, तो वहां पुट पे काम कीजिए ताकि मार्केट अगर डाउन आए तो आप उसमें कमा सके। लेकिन जब तक मार्केट उसके बीच में रहता है, मतलब अभी मार्केट 500 के आसपास है, मार्केट अगर 800 नहीं जा रहा है, उसके पहले ही कंसोलिडेट फेज में है, तो बिल्कुल एंट्री मत कीजिएगा। कहीं पर भी आप पैसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि प्रीमियम में आप फंस के रह जाएंगे और आपको बिल्कुल पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि कल जब मार्केट ओपन होगा तो आप मॉर्निंग में ही देखेंगे कि 100 पॉइंट्स के ऊपर का जो प्रीमियम रहेगा वही 70-80 रुपीज रहेगा, तो उसमें आपका पैसा बनना ही नहीं है। डेल्टा उसका जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा, तो ओवरऑल देखें तो उसमें आप जाएंगे सिर्फ फंस जाएंगे और उसके बाद आप उससे निकल नहीं पाएंगे और आप सिर्फ होप में बैठे रह जाएंगे। तो होप में मार्केट में नहीं बैठना है, कभी भी कोई भी ट्रेड लीजिए। इसीलिए मैं हर ट्रेड का स्टॉप लॉस साथ में देता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज समझ गया हूँ, मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, मैंने हालांकि इस पर पूरा सीरीज बना रखा है, और अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर खुद का बनना है, मतलब आपको फुल टाइम इस काम को करना है, तो मैं अपने चैनल पे कैंडलस्टिक कोर्स पूरा बकायदा पढ़ा रहा हूँ, और जापानीज कैंडलस्टिक की जो बुक है स्टीव नेंसन की, उसको फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप उसको जाके देखिए, उससे आपकी नॉलेज मार्केट को लेके बढ़ेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप उसको देखोगे और मार्केट में बैठोगे, तब आपको ऐसा रियलाइज होगा कि अब तक आपने क्या गलतियाँ की हैं। जो आप सिर्फ मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे थे अब तक, वो आप करना बंद कर दोगे और आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा जिससे आपकी ट्रेड इम्प्रूव होगी। तो प्लीज़ अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आप एक बार मेरी कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज को वॉचलिस्ट में अपने ऐड कीजिए, डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए, अच्छा ये कल के बैंक निफ्टी के हो गए। एक बात मैं आपको बैंक निफ्टी में और क्लियर कर दूं कि कल गोल्ड के प्राइस क्या रहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट देखने वाली बात होगी, क्योंकि गोल्ड के प्राइस कल भी भागे थे 2%, आज भी लगभग गोल्ड के प्राइस 1% ऊपर है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, इसलिए मार्केट डाउन जाने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कल हमें 47,300 का लेवल पहले दिख जाए, फिर मार्केट बाउंस करके थोड़ा सा ऊपर जाए, तो हो सकता है हमें वहाँ पर मौका बने। तो प्लीज़ ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट फेज में ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर को अच्छा लॉस हो जा रहा है। तो प्लीज़ ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो भाई, मेरे चैनल पे अभी भी सब्सक्राइबर नहीं है।